पिछले वाले वीडियो में हमने सिक्स क्लास का लेसन फाइव शुरू किया था, जो है किंगडम किंग्स एंड अर्ली ईयर्स, यानी कि साम्राज्य राजा और जो गणतंत्र है उनके बारे में बात की थी। पिछले वाले वीडियो में आपने जाना कि शासक किस प्रकार बनते हैं, जनपद क्या है, महाजनपद क्या होते हैं, इनके बारे में आपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे टैक्सेस यानी कर क्या, कर व्यवस्था किस प्रकार की थी, चेंज इन एग्रीकल्चर यानी कृषि में क्या क्या बदलाव किए गए, खेती में क्या क्या बदलाव किए गए, एक क्लोजर लुक मगधा यानी मगध साम्राज्य क्या था इसको पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे, मगध साम्राज्य किस प्रकार से था, ये सभी बातों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और समझने का प्रयास करें। मगध साम्राज्य जो ये जो कर व्यवस्था थी, कर व्यवस्था यानी कि टैक्सेस जो थे वो किसी भी सेवा या वस्तु के बदले जो साम्राज्य में यानी किसी राज्य में लगाया जाता था उसको कर व्यवस्था कहते हैं। यानी कि महाजनपदों में जो कर व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी उनके बारे में जानेंगे, यानी टैक्सेस किस प्रकार से लगाए गए थे इनके बारे में बात करते हैं। एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदास वर बिल्डिंग हग्स फोर्ट्स मेंटेनेंस बिग आर्मीज दे नीड फॉर रिसोर्सेज एंड दे नीड ऑफिशियल टू कलेक्ट दी सो दैट इंसेड टू डिपिंग ऑन द गिफ्ट्स फॉर पीपुल, जो पीपल थे वो राजा को गिफ्ट्स के रूप में कर देते थे। एज इन द केस ऑफ द राजा ऑफ द जनपदास दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस, टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स, यूजुअली द टैक्सेस वर फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ दैट वाज प्रोडक्ट्स, दिस वॉज द नोन एज द बागा एज सोर्स, देर वर टैक्सेस ऑन द क्राफ्ट पर्सन एज वेल, देर कुड हैव बीन द फॉर्म ऑफ लेबर फ्रॉम एग्जाम्पल ए वेयर ऑफ और एस मे हैव हैड टू वर्क फ्रॉम डे एवरी मंथ ऑफ द किंग, यानी कि जो किंग था यानी कि किसी भी सेवाओं को जो लोग थे यूज़ करते थे उसके बदले में कुछ हिस्सा जो राजा अपने पास रखता था वही कर व्यवस्था यानी कि वही क्या थी, टैक्सेस की प्रणाली थी। क्या थी इसके बारे में जानते हैं। आप देखते हैं महाजनपद काल में कर व्यवस्था किस प्रकार की थी। महाजनपद के राजा विशाल किले बनवाते थे यानी किलों का निर्माण करवाते थे, हवेलियाँ बनवाते थे, और इनको बनवाने के लिए पैसा कहाँ से आता था, धन कहाँ से आता था, सोर्सेस कहाँ से आते थे, तो वो पब्लिक से कलेक्ट करते थे उस धन को, पैसे को, और उससे क्या करते थे, उस फंड को कोई फोर्ट बनवाने में काम करते थे या किला बनवाने में काम करते थे या सेना को वो रखते थे युद्ध के क्षेत्र में। सेना क्या काम आती थी, किसी युद्ध लड़ने के काम आती थी, तो उस सेना का मेंटेनेंस करने, उनको खिलाने पिलाने की जो व्यवस्था थी वो पब्लिक के द्वारा की जाती थी, यानी कि जनता के द्वारा उन सेना को, रेगुलर आर्मी जो रखते थे किंग्स, उन आर्मी की जो टेक केयर करने की, देखभाल करने के लिए आर्मी को जो पैसे, उनको वेतन यानी कि सैलरी दी जाती थी, वो जनता के द्वारा फंड कलेक्ट करके उनको दी जाती थी। इसलिए उन्हें प्रचुर साधनों की आवश्यकता होती थी, सेना रखने के लिए, किले बनवाने के लिए, महल बनवाने के लिए, जो कुछ संसाधनों यानी कि सोर्सेस की आवश्यकता होती थी और वो सोर्सेस जनता से आते थे। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी, अतः महाजनपद के राजा के लोगों के द्वारा समय समय पर राजा को कुछ गिफ्ट्स दिए जाते थे, उपहार दिए जाते थे, राजा उन उपहारों पर निर्भर रहता था और नियमित रूप से उनसे कर वसूल करने लगे। जो गिफ्ट्स मिलते थे, जो कर, जो टैक्सेस था, उन पर राजा निर्भर रहने लगा। अब टैक्सेस जो थे वो किस प्रकार से लगाए जाते थे, टैक्सेस कई प्रकार के होते थे, जैसे फसलों पर कर लगाए जाते थे, फसलों पर यानी कि फसलों पर सबसे महत्वपूर्ण था कर, और अधिकांश लोग कृषक ही थे, यानी कि अधिकांश लोग क्या थे, फार्मर्स थे, तो फार्मर्स पे यानी कि उनकी जो फार्मिंग थी उस पर टैक्सेस लगाए जाते थे। और टैक्सेस कितना, यानी कि टोटल उन्होंने जितना भी उत्पादन किया, जितने भी उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए, उन प्रोडक्ट्स का 1/6 यानी कि 1/6 यानी कि 1/6 1/6 ये भाग उनको टैक्सेस के रूप में देना पड़ता था किंग को, राजा को। तो ये 1/6 भाग कर के रूप में राजा को दिया जाता था,
कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, यानी कारीगर जो थे जो किसी चीज़ का निर्माण करते थे, कोई किसी ने कारपेंटर कोई वस्तु बनाई, कोई मूर्तिकार था, कोई शिल्पकार था, तो लोगों ने जो जो जिस प्रकार जिन वस्तुओं का निर्माण किया, उन वस्तुओं और उन सेवाओं के बदले जो टैक्सेस राजा को देने पड़ते थे वही कर व्यवस्था थी। जैसे लोहार है, सुनार है, ये सभी कारीगर की श्रेणी में आते हैं, आप जानते हैं। ये अपने एक महीने में जितना उत्पादन करते थे उसका टैक्सेस के रूप में राजा को देना पड़ता था। इसके अलावा पशुओं पर भी टैक्सेस लगाए जाते थे, जानवरों पर, पशुपालकों पर भी टैक्सेस लगाए गए थे, और उन पशुओं को उत्पादन करने, उनको भंडारण करने, उनको रखने के लिए भी टैक्सेस देना पड़ता था। इसके अलावा जो शिकारी वर्ग थे, यानी कि जो शिकार करने काम करते थे, उन पर भी टैक्सेस लगाए गए थे, यानी कि जो खाद्यान्नों का संग्रहण करते थे, जानवरों को मारकर उनको स्टोर करते थे, जंगलों की जो जंगली वस्तु है उनका जो स्टोरेज करते थे, उन पर भी टैक्सेस लगाए गए थे, यानी कि आखेट, आखेट मीन्स जो हंटिंग है उस पर भी टैक्सेस लगाए गए थे। हंटिंग पर, हंटिंग यानी कि जो भी आखेट, यानी कि जो हंटिंग होती थी और जंगली जानवर, ये जंगली जंगल से जो वस्तुएं प्राप्त होती थी उन वस्तुओं पर भी टैक्सेस लगाए जाते थे। और ये टैक्सेस कितने प्रकार के थे, क्या थे, अलग अलग श्रेणियों में इनको बांटा गया था, अलग अलग प्रकार के टैक्सेस थे। किस प्रकार से कर व्यवस्था जो थी वो इतनी भयावह हो गई थी आने वाले टाइम में, इनके बारे में जानते हैं। यानी कर व्यवस्था जो थी वो आम लोगों के जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देती थी। कर व्यवस्था धीरे धीरे से, ये 1/6 था, इसको 1/3 कर दिया जाता था, यानी कि 1/10 भी कर दिया जाता था, यानी कि इसको बढ़ा दिया जाता था, कम कर दिया जाता था, इससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब कृषि में क्या क्या बदलाव हुए, कृषि में क्या क्या चेंजेज हुए, उनके बारे में बात करते हैं। यानी कृषि में बदलाव, यानी कि एग्रीकल्चर में किस तरीके से चेंजेज हुए, चेंज इन द एग्रीकल्चर, यानी कृषि में बदलाव। टैक्सेस आप पढ़ चुके, टैक्सेस क्या होता है इसके बारे में आपने जान लिया, बात करते हैं चेंज इन एग्रीकल्चर, कृषि में क्या परिवर्तन किए गए। देर आर टू मेजर चेंज इन द एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। वन वॉज द ग्रोइंग यूज ऑफ द आयरन, दिस मीन्ट दैट हैवी केयरली सॉइल कुड बी टर्न आवर बेटर देन द वॉज वुडन ऑन परचेजिंग, सो दैट वर ग्रेन कुड बी टू प्रोडक्ट्स, सेकेंड वी पीपल विगम एंड ट्रांसपोर्टिंग द मीट देन ट्रांसपोर्टिंग एंड द शूटिंग नीडेड टू राउंड विच फ्रॉम द प्लांट वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड, दिस लैंड द इन करेज प्रोडक्शन एज द मैनी प्लांट एंड इन सर्वाइवल। यानी कृषि में किस प्रकार से फलों के आकार को बदलाव किया गया, इनके बारे में बात करते हैं। कृषि में परिवर्तन किस प्रकार से हुए, कृषि जो कार्य था इसमें, इस युग में कृषि में दो बड़े बदलाव किए गए। एक तो हल्के आकार को बदलाव किया गया, हल्का का मतलब हल, यानी कि जो हल जो होते हैं किसान उसकी बात कर रहे हैं। हल के फाल अब लोहे के होने लगे, यानी कि पहले लकड़ी का हल हुआ करता था, अब जो हल था वो किसका होने लगा, अब हल जो है लोहे का बनने लगा। अब कठोर जमीन को भी आसानी से हल क्या करता था, जमीन को खोद सकता था, जोते तैयार कर सकता था, और इससे फसल का उत्पादन भी बढ़ने लगा। जमीन ज़्यादा गहराई तक अब लोहे का हल उसको खोद सकता था। दूसरा परिवर्तन क्या था, लोगों के धान के पौधे का रोपण शुरू किया गया और खेतों के बीज छिड़क कर फसलों का उत्पादन किया जाने लगा। इससे जो पौधे थे वो जल्दी तैयार हो जाते थे और जल्दी खाद्यान्न का उत्पादन किया जाने लगा, इसलिए पैदावार भी बढ़ने लगी। इसमें कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी किसान को, ये ज़्यादातर काम दास दासी और भूमिहीन खेतिहर मजदूर काम करते थे, जो राजा के उस दास होते थे। कुछ नई प्रथा चली हुई जिसे दास प्रथा कहते हैं, दास दासी जो मजदूर थे, खेतिहर मजदूर जो खेती में काम करके अपने जीवन यापन करते थे, इस प्रकार की प्रथा का आरंभ हुआ। इसी तरह अब बात करते हैं मगध साम्राज्य की। मगध साम्राज्य क्या था, मगध साम्राज्य में किस प्रकार की व्यवस्था थी, मगध साम्राज्य पढ़ते हैं, यानी कि मगध किंगडम क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ए क्लोजर लुक एट मगधास, मगध साम्राज्य। फाइंड मगधा ऑन द मैप फॉर मगधा बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद
इन द अबाउट द 200 ईयर्स, 2000 साल पहले. मैनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सन हिज थ्रोट मगधा, दिस वॉज इम्पोर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मेकिंग एंड लैंड फ्रेंड. पार्ट ऑफ मगधा वर फॉरेस्टेड इन एलिफेंट विच लिव इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर एंड ट्रेंड फॉर द आर्मी. फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइड वुड एंड बिल्डिंग हाउसेस कार्ड्स एंड करेक्टर्स एंड बिकॉज वर द आयरन इन द माइंस ऑफ द रेगुलर एंड टू स्टॉप एंड वर्क इन द वोपिंग्स. मगधा हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स बिंबिसार एंड सो इन यूज द पॉसिबल इन द महाजनपदास नीड एंड अनदर इम्पोर्टेंट रूलर्स एंड ही इन द अपर इन द राजास वी हैव इन द पेपर कैप्चर इन द लेटर इन दैट कैपिटल वाज इन पाटलिपुत्र प्रेजेंट डे इन पटना. मोर देन टू थ्री ईयर्स एगो ए रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर हु लिव इन यूरोप वॉन्टेड टू बिकम एंड ऑफ द कोर्सेज इन द बट द कैप्चर इन द पार्ट ऑफ अर्ली इन द एशिया का सबसे जो मगध साम्राज्य था उसमें सबसे बड़ा साम्राज्य मगध साम्राज्य था वो क्या था इसके बारे में बात करते हैं. मगध साम्राज्य जो था भारत का सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों में से एक माना जाता है. मगध साम्राज्य कैसा था इसको आप चित्र आपकी पुस्तक का जो लेसन है उसके चार में आप देख सकते हैं. मगध साम्राज्य आज से लगभग 2000 साल पुराना मगध साम्राज्य है जिसमें गंगा और सोन नदियाँ इसके आसपास बहती थी. यातायात का साधन इसमें अच्छा था. जल पानी की व्यवस्था इसमें अच्छी थी. जमीन उपजाऊ थी मगध साम्राज्य में. मगध साम्राज्य का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था. इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़ा जाता था और इन्हें प्रशिक्षित कर यानी कि इनको ट्रेंड करके इनको सेना में रेगुलर आर्मी में इनको भर्ती किया जाता था. यही नहीं जंगलों से घर गाड़ियों और रथ बनाने के लिए भी वुड्स यानी कि जो लकड़ी है उनको भी इकट्ठा किया जाता था. मजबूत औजार बनाने के लिए उपयोग हाथ इनका लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था. मगध साम्राज्य में बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए बिंबिसार एंड अजातशत्रु. बिंबिसार ये महत्वपूर्ण शासकों में थे. अशोक का नाम भी इसमें आता है, सम्राट अशोक. इन महाजनपदों को जीतने के लिए हर संभव प्रयास अपनाते थे. महाजनपद बिंबिसार और अजातशत्रु सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक माने जाते थे. महापद्मनंद और महत्वपूर्ण शासक इसमें थे. घनानंद थे मगध साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में. घनानंद सबसे महत्वपूर्ण थे यानी कि मगध साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उसके पहले मगध साम्राज्य में जो शासक हुआ करते थे मगध साम्राज्य के अंतिम शासक थे घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त करके उसको युद्ध में हरा कर चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था युद्ध में और मगध साम्राज्य पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हो गया और एक भारत में एक नए राजवंश की नींव रखी गई जिसको हम कहते हैं मौर्य साम्राज्य. मगध साम्राज्य पढ़ रहे हैं आप. मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी. चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णुगुप्त चाणक्य जिसको हम चाणक्य कहते हैं. चाणक्य ने घनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लेकर मौर्य वंश की स्थापना की थी. मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी. चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंबिसार है, अजातशत्रु है, अशोक है, ये महत्वपूर्ण शासक होते गए और मगध साम्राज्य को एक स्थिरता इन्होंने प्रदान की थी. मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी प्रारंभिक राजधानी वो पाटलिपुत्र थी जो वर्तमान में पटना में है. पटना शहर जो है वो पाटलिपुत्र पहले जाना जाता था पाटलिपुत्र के नाम से. इन्होंने अपने क्षेत्र का
इस क्षेत्र पर उस महाद्वीप और उत्तरी भाग तक फैला हुआ था। इनका साम्राज्य पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था। बिहार के राजगृह, बिहार में राजगृह जो आधुनिक राजगीर हैं, बिहार में जो राजगृह हैं अभी वर्तमान में जिसको आप राजगीर कहते हैं, वो बिहार में कई सालों तक मगध साम्राज्य की राजधानी बनी रही थी। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। पाटलिपुत्र जो है वर्तमान पटना में स्थित है और जो बिहार की राजधानी है। आज से 2300 वर्ष पहले की बात है, मेसिडोनिया का राजा जो था वो सिकंदर था। सिकंदर ने एक विश्व सपना देखा था कि वो किस प्रकार से विश्व विजेता बने, और इसी उद्देश्यों को लेकर उसने विश्व के सभी देशों को जीतना शुरू किया था। और उसकी नज़र भारत पर भी थी, यानी कि हमारे देश भारत पर भी थी, और उसने भारत पर आक्रमण किया। और भारत पर आक्रमण करने का कारण क्या था, उसका साम्राज्य विस्तार करना था। और एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारत उपमहाद्वीप की ओर वो बढ़ता हुआ भारत पहुंचा। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसने सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी संख्या में सेना है, वो उन्होंने मना कर दिया। और बाद में युद्ध भी हुआ और दोनों के बीच में संधि हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य और जो चंद्रगुप्त ये जो था सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस के साथ में, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में एक संधि हुई थी। उन संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे, और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। तो ये तो था मगध साम्राज्य। अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे वज्जी, ए क्लोजर लुक वज्जी, यानी कि इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वाले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।